दर्शकों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल टिकटैक पर। दोस्तों, मैंने जैसा पावर पॉइंट का एक सीरीज स्टार्ट किया हुआ है, इसका ये चौथा पार्ट है। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप 3D फोटो पावर पॉइंट में कैसे बना सकते हैं। उसके लिए हमें जाना होगा सबसे पहले पावर पॉइंट में। यहाँ हम चुन लेते हैं ब्लैंक प्रेजेंटेशन। हमको ये बिल्कुल खाली चाहिए, तो उसके लिए जैसे मैंने बताया हुआ है पिछले वीडियो में भी कि हमें लेआउट में जाना होगा और यहाँ चुनना होगा ब्लैंक, ये बिल्कुल खाली हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम 3D पिक्चर बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें जाना होगा इंसर्ट में और क्लिक करते हैं पिक्चर पे। पिक्चर पे यहाँ पे मैं डेस्कटॉप पे मेरा पिक्चर सेव किया हुआ है एनिमेशन फोटो के अंदर। जैसा कि दोस्तों ये देख सकते हैं, ये एक बर्ड का पिक्चर है, इसका मैं 3D फोटो बनाना चाहता हूँ। दोस्तों उसी तरह के पिक्चर का 3D फोटो बनेगा जिसका बैकग्राउंड जो है आपको ब्लर रहेगा। जैसा कि देख सकते हैं इसका बैकग्राउंड जो है बिल्कुल ही ब्लर है, तो इसको मैं चुन के इंसर्ट पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट काम करना है कि आपको इसको अच्छी तरह से अपने पूरे पेज में आपको फैला देना अच्छे से। फैलाने के बाद हम इसमें एक फ्रेम डालना चाहते हैं। फ्रेम डालने के लिए आपको यहाँ जाना होगा फॉर्मेट में, और इस एरो पे जब क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे कि ये फॉर्मेट मिलेगा, इसको चुन लीजिएगा। चुनने के बाद नेक्स्ट काम करना है कि आपको इसको कर लेना है क्रॉप। हम जाते हैं यहाँ क्रॉप पे क्लिक करते हैं, और इसको जो है जैसा हम चाहते हैं पिक्चर जो है नीचे से ऊपर की ओर निकला हुआ है, यानी मेरा एक बैकग्राउंड है और उसका जो है ये नीचे से ऊपर की ओर निकला हुआ है, तो हम इसको ऊपर से काट लेते हैं इस तरह से। उसके बाद हम जब क्रॉप पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये फोटो आपका कट जाएगा। नेक्स्ट काम करना है कि इसी का एक और पिक्चर आपको ले लेना है। हम जाते हैं इंसर्ट में, क्लिक करते हैं पिक्चर पे, और यही एक और पिक्चर फिर से हम लेते हैं और इंसर्ट पर क्लिक करते हैं। जैसा मैंने पिछले वाले पिक्चर को फैलाया था पूरे पेज में, इसको भी अच्छी तरह से आपको पूरे पेज में फैला देना है। फैलाने के बाद नेक्स्ट काम करना है कि आपको जाना होगा फॉर्मेट में। यहाँ पे मिलेगा आपको रिमूव बैकग्राउंड, इससे जो भी आपका ब्लर वाला रहेगा वो डिलीट हो जाएगा रिमूव बैकग्राउंड से। इस पर हम क्लिक करते हैं रिमूव बैकग्राउंड पे। यहाँ हम इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों जो भी आप ये पर्पल कलर में देख रहे हैं ये सारा जो आपका डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा पूछ है जो हल्का ये भी लग रहा है कि डिलीट हो जाएगा, तो इसको हम रखना चाहते हैं, तो उसको रखने के लिए यहाँ मार्क टू कीप है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ इसके पूंछ पर एक बार क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे देख रहे होंगे ये आ गया है। आ जाने के बाद यहाँ पे देख रहे होंगे चोंच के पास जो है यहाँ पे भी कुछ एरिया यहाँ का डिलीट हो रहा है, तो इस पर भी हम थोड़ा एक बार क्लिक करते हैं। अगर नहीं आया तो दोबारा एक बार और क्लिक कर देना है, ये आ गया होगा लगभग। इसको हम जूम करके देख लेते हैं यहाँ पर, जैसा कि देखते हैं यहाँ हल्का सा और है। ये लगभग आ चुका है आपको, और इसको मैं थोड़ा छोटा करता हूँ। जैसे मैं ये डाल है उसको भी डिलीट करना चाहता हूँ, इसको भी नहीं रखना चाहता हूँ, तो उसके लिए है मार्क टू रिमूव, इसको चुनना है और यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जब तक ये पर्पल कलर में आपका नहीं हो जाए तब तक इस पर आपको क्लिक करते रहना है। जैसा कि दोस्तों ये सारा देख रहे हैं आपका लगभग कंप्लीट हो चुका है। इसको कंप्लीट करने के बाद आपको करना है क्लिक कीप चेंजेस पर। दोस्तों इस तरह से आप देख रहे होंगे कि एक फ्रेम है और उसके अंदर से आपको चिड़िया यहाँ से निकला हुआ दिख रहा है, तो इस तरह से 3D पिक्चर आप इसमें बना सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट करना है क्या, ये दो फोटो है तो कंट्रोल ए दबाएंगे तो दोनों फोटो सेलेक्ट हो जाएगा, और कंट्रोल जी से दोनों फोटो एक ग्रुप में बन जाएगा। यानी आप इसको मूव कीजिएगा तो कोई सिंगल फोटो नहीं होगा, आराम से आप दोनों फोटो को किधर भी मूव कर सकते हैं। इसको पिक्चर के रूप में सेव करने के लिए हमको जाना होगा फाइल में, यहाँ पे क्लिक करते हैं सेव एज, और जैसे मैं डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ उसको डेस्कटॉप चुनते हैं। यहाँ पे कोई भी फोटो जैसे बर्ड नाम लिख देता हूँ इसका। इसको हम पिक्चर के रूप में सेव करना चाहते हैं तो सेव एज टाइप में जाना होगा और यहाँ चुनना होगा हमको JPEG फाइल वे वाला चुन लेना, और इस पर क्लिक करके हमको ओके पर क्लिक कर देना। ऑल स्लाइड चुन लीजिएगा, अगर और भी कोई स्लाइड रहेगा तो वो भी बन जाएगा, सिंगल स्लाइड रहेगा तो सिंगल स्लाइड ही पिक्चर ग्रुप में आपका सेव होगा। दोस्तों जैसे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये रहा बर्ड का फोल्डर बन चुका है, ये वाला
फोटो को मैं खोल के दिखाता हूँ। जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं आप, ये 3D फोटो आपका बन चुका है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप किसी भी तरह का और चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊँ तो कमेंट करके भी आप मुझे बता सकते हैं। धन्यवाद।